राज आने के बाद में और घर में बीपी आने के बाद में जानी नहीं चाहिए। जिसकी बीपी भाग जाए वो ये समझो कि खुद कमजोर है। अगर राज करना है तो बगैर टोरे के बगैर राज नहीं होगा, और टोरा जिसके पास होगा उसका राज भी पक्का चलेगा। अब की सरवर जी आपकी सलाह मानेंगे, ठरके से राज करेंगे। इनको ट्रेनिंग में यही पढ़ाया जाता है अफसरों को कि सर को तोड़ना नहीं और फड़ी फोड़ना नहीं। अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया है, अब जिसकी स्टार्टिंग गड़बड़ होती है उसका एंड भी बुरा होता है। मैं कहता हूँ जनता ने जो तुम्हें मौका दे ही दिया और तुमको मौका मिल ही गया और जन्म तुमने ले ही लिया इस काम में और जलेबी की तरह घूम ही गए, तो रस में डूब के मजा लो। ट्रांसपोर्ट में मंत्री जी इतना बड़ा घोटाला है, अगर आप आंख फाड़ के देखोगे दोनों आंखों की दो चश्मे लगाने पड़ेंगे। भूल जाओ तभी तो सरकार बदलती रहती, नहीं ज्योति बसु ने 33 साल तक बंगाल में राज किया था। क्यों? वो ये नहीं कहता था कौन क्या है, वो कहता मैं जो करूँगा वो अच्छा करूँगा, सोच के करूँगा। 33 साल के बाद उसने स्वयं ने इस्तीफा दिया कि मैं अब मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता। और मैं ये भी कहता हूँ राज आने के बाद में और घर में बीबी आने के बाद में जानी नहीं चाहिए, जाति क्यों है कारण है ये, जिसकी जिसकी बीबी भाग जाए। आपका अनुभव सही है, आइए सही ना। जिसकी बीबी भाग जाए वो ये समझो कि खुद कमजोर है, और जिसका राज आए असला जाए वो खुद कमजोर है। ये आपका अनुभव परफेक्ट है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ इधर से, क्यों कह रहे हो? अनुभव की बात है, आपका अनुभव सही है। मेरे को देखते देखते उस विधानसभा में मैं था, इसमें भी हूँ, देखते देखते यही है, एक बार तुम एक बार हम, ये नहीं होना चाहिए। राज करके दिखाओ तो राज 15-20 साल लोगों को लगे कि राज कौन कर रहा है, राज कैसे चल रहा है। अब लेफ्ट हैंड की गाड़ियां पहले थी, अब राइट हैंड की गाड़ियां आ गई, बात तो वही हुई ना, आप भी गाड़ी तो वही है संभालेंगे, इसलिए मेरी आवाज तो ये है कि आप काम करिए। राजस्थान की जनता को लगना चाहिए कि राज बदला है। अभी तो 6 महीने में तुमने कुछ भी नहीं किया है, एक लोटा पानी का नहीं पिलाया, एक कोई नई गाड़ी नहीं लेके आए हो, एक नई कोई कॉलेज नहीं खोली है, नगर पालिका है एक दो नगर पालिका खोल दी तो मालूम नहीं है। अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया है, अब जिसकी स्टार्टिंग गड़बड़ होती है उसका एंड भी बुरा होता है। अब आप ये कहोगे आप क्यों करे हो, आपका एक्सपीरियंस भी मेरे से कम है, ज़्यादा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 44 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने देख लिया, न तो अफसरों की बात करते हैं, न तो अफसर आपकी मानते हैं, वो मनमर्जी करते हैं, और आपकी बात सुन लेंगे सर कह देंगे करेंगे नहीं। इनको ट्रेनिंग में यही पढ़ाया जाता है अफसरों को कि सर को तोड़ना नहीं और फड़ी फोड़ना नहीं, तो ये बात चाहे कांग्रेस वाले हो इनको सर करके राजी कर देते। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर में जान होनी चाहिए, ऑर्डर अगर आपने दिया है या तो नो का हो या यस का हो, पर ऑर्डर खाली नहीं जाना चाहिए। अब जब का ऑर्डर देते हैं मंत्री लोग क्या कहते हैं, साहब देख लेना, क्या देख लेना, क्या देख लेना, इट विल बी डन, काम चाहता हूँ या रिप्लाई दीजिए। ये जब तक कहने की इच्छा नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। इच्छा तो सबकी है पर इच्छा शक्ति नहीं है, और जब तक मानव की इच्छा शक्ति नहीं होती है तब तक वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। तो आप बदलिए अपना ढर्रा बदल दिए। अगर जो अफसर मैं डेली देखता हूँ, सर देख लेना, सर वो है क्या, सर वो है क्या, सर तो तुम हो अगर मानव हो तब तो, क्योंकि राज लोकतंत्र में सर कौन है, जो सुन के आता वो सर है। हमारा प्रशासनिक अधिकारी है वो भी सर है, लेकिन वो ऑफिस में सर है, आपके सामने सर नहीं है। आप लोग सर के बार बात करते हो, क्या चलाओगे राज, नहीं चलेगा। मैं भी कह रहा हूँ अगर राज करना है तो बगैर टोरे के बगैर राज नहीं होगा, और टोरा जिसके पास होगा उसका राज भी पक्का चलेगा। अब की सरवर जी आपकी सलाह मानेंगे, ठरके से राज करेंगे। ये पहलों के तो दोबारा नंबर पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। अफसरों को खुश करना, अफसर तो रात को 12 बजे अपना राज बदलाना ढर्रा बदलाना सबको जानते। कई हमारे MLA बोलते थे साहब मेरा ATM लगा दो, मेरा तहसीलदार लगा दो, क्यों बावड़ो हो रहे हैं, कुछ नहीं है। ये अपना काम निकालते हैं गंडो पाड़ो खेत के बाहर, ये गंडा पाड़ते खेत के बाहर चले जाते, तो मतलब नहीं किसने बोया था किसने काटेगा। माननीय सदस्य अफसरों पर थोड़ी चर्चा चल रही है, तो शिक्षा पर चलो शिक्षा पर आ रहे, तकनीकी शिक्षा
तकनीकी शिक्षा देखिए आप, हमारी सरकार ने बोलेंगे फ्री लॉन्च है ये तो, क्या बता रहे हो इनको रोको ही मत आप, लाइन चलती है। आप चलता हूँ, संसदीय मंत्री जब कह दिया आप कुछ भी बोल सकते हो, फिर आप पेड़ा क्यों पा रहे हो? ये सदन में अध्यक्ष के पास संसदीय मंत्री होता है, ये हाँ भरी ली हमारी, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी हमारे पिलानी में तकनीकी कॉलेज खोल दी, पिलानी तो इंजीनियरिंग के नाम की नगरी है, और वहाँ भी खोल दी। अब वहाँ खोल तो थी लेकिन कौन आए, बंद पड़ी है, कोई बिल्डिंग नहीं बनी। ऐसी चीज़ें कई कांग्रेस सरकार में हुई जिनका उपयोग नहीं था, बगैर उपयोग की। जब आदमी भूखा ही नहीं है और अधिक खाना खा जाता है, एसिडिटी होगी और क्या होगा। तो इसलिए गलत किया, ये भी नहीं करना चाहता। आवश्यकता की चीज़ झांसरुत है, वहाँ खोलने से क्या फायदा मिलेगा और उससे सरकार की नीति और निर्देशक भी अच्छे रहेंगे। इसलिए मैं कहूँगा आपको जहाँ भी जरूरत है, अब मेरे मैं अभी 3-4 दिन पहले वित्त मंत्री जी को कह रहा था कि मेरे सूरजगढ़ में 1936 में नगर पालिका बनी थी, आज तक संसदीय मंत्री जी उसकी सेवरे लाई नहीं पड़ी। मैं कांग्रेस सरकार में भी कह दिया, धारीवाल साहब को भी कागज ले लिया, पता नहीं कौन से खड्डे में डाल दिया, देखा ही। धारीवाल साहब से बोला था, नहीं बोला था आपने? धारीवाल साहब से, धारीवाल साहब तो अब तो ठंडा हो रहा हूँ, टाइम देखा ही कौन करता, अब तो ठंडे हो गए। क्योंकि जब ठंडा होता है ना आदमी, जब सबको मालूम हो जाए ठंडा हो गया। ये मंत्री है ना, ये मैं तो मंत्री बना नहीं, मैं तो प्रधान सरपंच सब रह लिया, MLA भी कई बार रह लिया, लेकिन मंत्री है ना, मंत्री से बनता है उसके सेकेंड डे रात को कौन सा देवी देवता आता है, इनको पागल बना देता है, ये देखते ही नहीं। और 5 साल में लाल चिट्टू हो जाते हैं और लाल होकर के बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ जनता ने जो तुम्हें मौका दे ही दिया और तुमको मौका मिल ही गया और जन्म तुमने ले ही लिया इस काम में और जलेबी की तरह घूम ही गए, तो रस में डूब के मजा लो। मेरा कहना मतलब जनता का काम करके लोगों को बताओ कि मैं क्या हूँ, और जो जनता को काम करेगा उसका आज ही तो कल उसका प्रतिफल मिलेगा। कोई कहता है कि मैंने काम किया मेरे को प्रतिफल नहीं मिला, मैं कहता दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कर्मों को कोई खा जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं सत्यता को कोई दुला देगा, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं सोने के ऊपर काई डाल देगा। जो सोना होगा सोना ही होगा और पितल होगा वो पितल ही होगा। जो आदमी काम करेगा वो सदन में धड़ाले से बोलेगा और गांव में जाके गली में बोलेगा। अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट में मंत्री जी इतना बड़ा घोटाला है, अगर आप आँख फाड़ के देखोगे दोनों आँखों में 2 चश्मे लगाने पड़ेंगे।